बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान नगर परिषद में होने वाला जो चुनाव है वो अब अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को चुनाव है और 30 तारीख को काउंटिंग होगी और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी आप देख सकते हैं कि उनका दौरा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिवान नगर परिषद उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार उर्मिला देवी के पक्ष में उनके पुत्र उमेश शाह का लगातार दौरा जारी है, जो कि आज नया किला नवलपुर आगू छपरा सहित कई इलाकों का दौरा किया। तो आप देख सकते हैं जो कि नगर परिषद उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं उर्मिला देवी, जो कि पार्षद भी रह चुकी हैं सिवान के महादेवा इलाके से, और इस बार एक बार फिर से डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनावी मैदान में हैं। उनके पुत्र उमेश शाह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं, जब भी मोहल्ले के लोगों को जहां ज़रूरत पड़ी है वो बढ़ चढ़ करके वो मदद करने का काम किए हैं। तो बिल्कुल इस तस्वीर को देखिए, आगू छपरा नवलपुर सहित कई इलाकों का उमेश शाह ने दौरा किया और अपनी माता के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उमेश शाह ने कहा कि किसी के चक्कर में ना पड़े और बिल्कुल इस बार मेरी माँ उर्मिला देवी को अपना बहुमूल्य मत करें और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने का काम करें। एटीएन लाइव के लिए अमित के साथ रीशु कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, बताइए। जी प्रणाम। उमेश महादेवा से हमारा अभी क्या आगू छपरा और कन्हवारा में मेरा दौरा चल रहा है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ समस्या यहाँ के लोगों ने आपको बताया? समस्या भाई देखिए, समस्या अभी समस्या बताने से समस्या सॉल्व होने वाला तो है नहीं। देखिए, जितने कोई भी आएगा जीत कर तभी कोई करेगा, कोई भी आइए, लोग सब भाईचारा है। कुछ लोग जीत के आते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, बस घोटाले ही करते हैं। ये तो ये देखिए, जी जी आप अपना बताइए, जीत के आते हैं तो काम होगा? काम होगा, बस हम खरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे कि नहीं हम खरा उतरेंगे भैया,
हम तो खारा उतरे हैं तभी इसलिए जानते हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि जिस पर चेयरमैन है उप चेयरमैन चुनने को जनता का हाथ में गया है भाई। हम तो यही कह रहे हैं बार बार, यही बात हम हर मीडिया वाले से बोले हैं कि तो सौभाग्य की बात है कि जनता के हित में गया है। जनता अपने चुनेगी जो लाइक उसको देखेगी कि हाँ कौन साफ सुथरा छवि का है। किस तरह के कार्य साफ सफाई, अरे नगर परिषद का जो कार्य होगा सफाई ये प्रदूषण मुक्त यही सब न है कार्य। कुछ सोचे तो जरूर होंगे कि कुछ हमको नया करना है। सारे लोग तो यही बात बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अब पता ही है सबको कि हमको साफ सफाई या नाला ही बनवाना है। देखिए कुछ तो सोचे होंगे कि हम नहीं, हम तो यही सोचे हैं कि अगर नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद में वार्ड भी बड़ा है और वार्ड के जितने भी वार्ड के जनता है उनको, हाँ बहुत बड़े हो गए हैं, उन लोग की हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। पहले हर तरह की व्यवस्था, जैसे यहाँ से शहर में जाते हैं शौचालय की, ई रिक्शा की, ये सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। आज शहर में जाते हैं कुछ 5 किलोमीटर दूर से जाते हैं, पेशाब करने का जगह नहीं है, हैं बाथरूम का जगह नहीं। उमेश साहब पहले जीत के आते तो सबसे पहले शौचालय बनवाएंगे महिलाओं को, खास करके हाँ नहीं कर लेता है लेकिन महिलाओं को व्यवस्था अनिवार्य है। जी जी इस पर यही जो हम देख रहे हैं कि यही जरूरी है। आज 15 साल से जो नगर परिषद 15 साल से बीजेपी के सरकार अंतर्गत में था, है लेकिन चाहे पार्टी बेसिस में जो भी था, लेकिन आज कोई बनवाया कुछ किया है? देखिए 15 साल से आप जीत के आते हैं तो करेंगे। हाँ देख लीजिएगा नेता जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हम बहुत बड़ी वादा करते हैं। हम वादा फेंकने वाला वादा नहीं करते हैं। वो तो शौचालय सुनिए, शौचालय या साफ सफाई, खड़े उतरेंगे एकदम खड़े उतरेंगे भाई। शौचालय और साफ सफाई ये तो सारा दुनिया का रीत है, ये दुनिया का मांगे है। शौचालय साफ सफाई और जाम के मसला ये दुनिया का मांग है, हर जनता को मांग है। हम कार्य करेंगे तब तो कह रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे अपने? मैं जनता से यही अपील करूंगा लास्ट में कि 28 तारीख को शांतिपूर्व अपना मत देकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। मेरा गेहूं का बाली सिंबल है, 1 नंबर पे है, EVM का 1 नंबर पे है। अपना पर्चे बता। मेरा पर्चे उमेश कुमार शाह हुआ, महादेवा घर है, 83 है हमारी स्थिति, श्रीमती उर्मिला देवी। जनता से हम लोग जिधर जाते हैं हम लोग को जनता चाह रही है और सौभाग्य की बात है कि जनता के हित में ये मिला है वोट करने के लिए और चुनने के लिए। अब प्लस इसी तरह आपको लग रहा है कि इस बार गेहूं का मौसम है, गेहूं का सीजन है, जीतने वाले को प्रत्याशी को ऐसा ही आगे आगे चुनाव चिन्ह भी चेहरा पर सहारा बन गया है और जनता जीता चुकी है, इसके बढ़ोतरी में है। अब हम लोग भारी मतों से विजयी होकर जीतेंगे। उर्मिला देवी अपील जो भी हुए तो अधूरा काम हुआ है उसको हम लोग पूरा करेंगे, अच्छे से अच्छे जो भी हम लोग लोकेगा, जिस गांव में जिस कमी होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। सरकार तो विकास के नारा पर चल ही रही है, सरकार विकास के नारा पर चल, विकास चाहता है, जात पात पार्टी पोलिटिक्स कोई नहीं चाहता है। मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल, महादेवा शिव मंदिर। पलक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिनांक 17 दिसंबर को अल सैफ सऊदी और BC ओमान कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होने जा रहा है। अलग अलग ट्रेड में इंटरव्यू देने के लिए कल सुबह 9 बजे पहुंचे और अच्छी सैलरी पर रोजगार पाए। BC ओमान कंपनी आपको फ्री में रिक्वायरमेंट यानी जॉब देगी, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। पहुंचे पलक बुद्धा ITI पपोर सिवान, मोबाइल नंबर है 9334841587। दूसरा मोबाइल नंबर है 9128276278। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान,
अभी कॉल करें 8448277903 गुरु खान बंगाली। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903150। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट, हमारे यहाँ BAMS AM BNYS.DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BAMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवा। संपर्क नंबर है 9931503081, वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।